आठवें भाव। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट कहाँ से आता है? यदि आपसे कहा जाए काल को इस कुंडली का कष्ट कौन से भाव से हम देखते हैं, तो आप बिना सोचे आप बोलेंगे कि हाँ आठवां भाव। और वही आठवें भाव का एक बड़ा चार्ट कहें या फिर उसका एक बड़ा प्रारूप कहें, तो वो कौन है? वो हमारा D20 चार्ट। D20 चार्ट आठवें भाव पर अर्थात यह दिखा रहा है कि आपको किन कारणों से कष्ट होगा। अब कष्ट का कारक ग्रह कौन है? शनि है। आठवें भाव का कारक ग्रह कौन है? शनि है। तो इस D20 चार्ट का कारक ग्रह कौन हो जाएगा? शनि रहेगा। इसमें विशेष भूमिका किस भाव की रहेगी? आठवें भाव की रहेगी। सबसे पहले आपके कुंडली में, आपके D20 चार्ट में आठवें भाव का स्वामी जिन ग्रहों के साथ जुड़ा है, या शनि जिन ग्रहों के साथ जुड़ा है, या तो समझिए उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात आप उससे मुक्त हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा उस ग्रह से, या समझिए आप भौतिक जीवन की यदि आप बात करते हैं तो इस भौतिक जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट जो है वो उस ग्रह के कारण ही आपके पास है। बिना उस ग्रह के आपके पास कष्ट नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए आपके अष्टम भाव, आपके अष्टम भाव का स्वामी एक कुंडली ले लेते हैं, जैसे यह कुंडली है, यह हमारा विशांसा चार्ट D20। इस D20 चार्ट में अष्टम भाव का स्वामी गुरु। अब गुरु से संबंधित जो ग्रह है, तो गुरु संबंध कौन ग्रह बना रहे हैं? कोई भी इस कुंडली में गुरु संबंध स्थापित करता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। शनि से किस किसका संबंध है? तो शनि से सूर्य का संबंध है। किस सूर्य किस भाव का स्वामी है? सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी। अब यह जो व्यक्ति है जिसकी यह कुंडली है, यह अपने घर के कारण ही इसे बहुत ज्यादा कष्ट है जीवन में। ठीक है, एक तो कष्ट देख रहे हैं हम, लेकिन यदि दूसरे तरीके से यह देखा जाए तो हम यह समझ पाए कि यदि यह व्यक्ति अपने उस घर को पॉजिटिव तरीके से ले सके तो अध्यात्म का सबसे बड़ा मार्ग आपका उस भाव से ही शुरू हो जाए जिस भाव से आपको दिख रहा है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहे हैं, वही भाव आपको सब कुछ देकर चला जाए, खासकर अध्यात्म को लेकर। यह हमारे गुरु का चार्ट है, यह हमारा चार्ट नहीं है। हमारे गुरु हमें किस प्रकार से मिलेंगे? जैसे आज तो होड़ यह चली है, हर स्थानों पे हम लोग गुरु को तलाशते हैं, गुरु हमें नहीं तलाशता, लेकिन कतई कहा जाए कि ये सर्वथा झूठ है। आज भी स्थिति है कि गुरु ही आप तक पहुंचता है, आप गुरु तक नहीं पहुंचते हैं। आज गुरुओं की संख्या करोड़ों में है, सब एक दूसरे का आज गुरु है। हमारे बनारस में लोग कहते हैं का गुरु का हाल चाल, एक चाय वाला भी बोलेगा, एक रिक्शे वाला है वो भी बोलेगा का गुरु कहाँ जाएगा, मतलब तो आपको कहाँ जाना है, का गुरु अर्थात सब एक दूसरे का गुरु ही। आज यह स्थिति इस जीवन की बनी हुई है, लेकिन आज भी गुरु हम तक पहुंचते हैं, हम गुरु तक नहीं पहुंचते। जैसे आप अभी यूट्यूब या अन्य माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, लेकिन जिस व्यक्ति से जुड़ने के बाद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा हो, और जिस व्यक्ति से जुड़ने के बाद आपको अपने अंदर अध्यात्म की जागृति दिख रही है, वही आपका वास्तविक गुरु है। जैसे गुरु बहुत होते हैं, एक प्रारंभिक गुरु होता है हमारे जीवन में जो हमें प्रारंभ की शिक्षा देते हैं। माता पिता को भी हम गुरु का ही स्थान देते हैं, माता पिता सर्वत्र गुरु ही हैं। उसके बाद
एक वह गुरु होता है जो हमें भौतिक जीवन की शिक्षा देता है, और एक वह गुरु होता है जो हमें अध्यात्म जीवन की शिक्षा देता है। इसमें गुरु दीक्षा भी होता है। गुरु दीक्षा की भी बहुत अहम भूमिका हमारे जीवन में होती है, या फिर हमें हमारे D20 चार्ट के अंतर्गत होती है। अब अष्टम भाव का स्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने एक बात और सदैव आप लोगों से कहा है कि उस भाव से 11वां भाव, उस भाव से 11वां भाव और विशेष चीजों को हमारे सामने रखता है। अर्थात उस भाव की बहुत ज्यादा भूमिका हमारे जीवन में होती है। अब उस भाव से 6ठा भाव, उस भाव से 11वां भाव कौन सा हो जाएगा? 6ठा भाव। अर्थात जैसे हम 8वें भाव को देखते हैं, वैसे ही हम 6ठे भाव को भी D20 चार्ट में देखेंगे। अब आप थोड़ा गौर करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि इस कुंडली में उन्हीं ग्रहों की बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है, उन्हीं भावों की बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है, जो भाव हम अपने आम जीवन के अंतर्गत कहते हैं कि भैया ये भाव हमारे कुंडली में जागृत ना हो वही अच्छा है। अष्टम भाव हम नहीं जागृत करना चाहते हैं, 6ठा भाव नहीं जागृत करना चाहते, 12वां जागृत नहीं करना चाहते हैं, तो इस अढ़ाई को जागृत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे हमें कष्ट मिलेगा। अब यार स्पष्ट कह रहा है कि यही कष्ट जो है वो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देने को तैयार है। किसी ऐसे व्यक्ति को आपने देखा है भाई जो कष्ट में ना आया हो, उसके बाद अध्यात्म को गया है? आज के हम कलयुग की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत रहे, प्रहलाद रहे, बहुत रहे जो इन स्थानों पे पहुंचे, जैसे राम जी। राम जी के भी गुरु थे वशिष्ठ, उसके बाद एक और गुरु उनके हुए विश्वामित्र। क्या राम जी विश्वामित्र को खोजते हुए गए थे या विश्वामित्र खोजते हुए राम तक आए? विश्वामित्र ही खोजते हुए राम तक। पता है जैसे श्री रामचरितमानस में दो तीन चौपाइयां हैं, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पान। चकोर एक पक्षी है, उसकी एक विशेषता है कि जो आसमान से जल गिर रहा है, रात में जो ओस गिर रहा है, उसी ओस को वो पीता है। पृथ्वी पे गिरे हुए जल को वो पीता ही नहीं है, जिसे हम पपिया भी कहते हैं। पृथ्वी पर जल गिर जाए या फिर घास पे गिरा हुआ जल हो, उसे नहीं पीता है वो। तो जैसे चकोर राम कथा शशि किरण समाना, शशि अर्थात चंद्रमा की किरण के समान राम कथा है, यहाँ रामायण को ला रहे हैं, कुछ विशेष कारण है इसका। जैसे एक चकोर जो है वो चंद्रमा के जल को पीता है और किसी जल को वो ग्रहण नहीं करना चाहता, जैसे चकवा चकई जो है, चकवा चकई जो दो पक्षी होते हैं उनकी भी एक विशेषता होती है कि वो दोनों यदि एक दूसरे से मुड़ के बैठे हैं तो वैसे ही रहेंगे। वैसे ही हमें भी अपने गुरु के समक्ष वैसे ही जाना चाहिए। तो इस कक्षा को जो हम आज कर रहे हैं, विशेषकर इसका प्रारंभ भगवान गुरु की वंदना से हो, क्योंकि बिना उनकी श्रद्धा के और बिना उनके आशीर्वाद के इस चार्ट को हम नहीं समझ पाएंगे। हम समझेंगे भी तो इसमें भी हम भौतिकता को ही ढूंढेंगे। जैसे हमने अभी कहा कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट कहाँ मिल रहा है, तो शनि के साथ जो ग्रह जुड़ा हुआ है, जिस भाव से जुड़ा हुआ है, वहां से कष्ट आएगा। अष्टम भाव का जो स्वामी है उससे कष्ट आएगा, अष्टम भाव का स्वामी जिन ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है उससे कष्ट आए। आप इसमें ही भी उलझ कर रह जाएंगे, आप अध्यात्म की जागृति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो गुरुदेव की ओर श्रद्धा रख के, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है और जो भी आपके गुरु हैं, उन्हें नमस्कार करके आगे भी इसकी यात्रा हम करते हैं। जैसे D20 चार्ट जो है
या समझ लीजिए आपके स्वयं की खोज है, आप अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, वह आपका डिटर्मिनेशन। यह अध्यात्म है। किसका अध्ययन? अपनी ही आत्मा का अध्ययन करना, वो अध्यात्म है, अध्यात्म है। जैसे प्रथम भाव का अपोजिट सप्तम भाव होता है, दूसरे भाव का ठीक उससे परिवर्तित आठवां भाव होता है। दूसरा भाव क्या है? दूसरे भाव से हम भोजन करते हैं, दूसरे भाव से हम बोलते हैं, उसका ठीक अपोजिट आठवां भाव क्या है? मौन है। तो हमारे मौन रहने की शक्ति हमें है या नहीं है, हम कितना अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं इस अध्यात्म जीवन में, वह भाव आठवां है और डिटोनटेट है। अष्टम भाव से आप किन चीजों को देखते हैं? यंत्र, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, भूत प्रेत, भय, कष्ट, दुख, मुक्ति का मार्ग, भय से मुक्ति का मार्ग, समाधि, उपासना, आराधना, ध्यान, विपासना, इन सबको हम कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से देखते हैं। अब बहुत ही सरल और सटीक रूल, अष्टम भाव का स्वामी, जो आप लोग बहुत जब से कक्षा प्रारंभ हुई तब से आप लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं, अष्टम भाव के ऊपर कौन है, किसकी दृष्टियां जा रही है, आपको देखना है। अष्टम भाव में बैठा हुआ कौन है इस कुंडली में? छठे भाव का स्वामी अष्टम में गया है, लग्न का स्वामी अष्टम में गया है। इस व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करने के लिए सिर्फ एक पुश की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं व्यक्ति उस अध्यात्म में गया है। एक पुश की आवश्यकता है, एक पुश मिल जाएगा, यह शुरू हो जाएगा। अब पुश कौन देगा? स्वयं तो व्यक्ति पुश करेगा अपने आप को नहीं, तो छठा भाव उसे पुश करेगा। अनेक प्रकार के कष्ट, सेवा से इसके अध्यात्म की जागृति हो जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति शराब का पान कर रहा हो या गलत एक्टिविटी कर रहा हो, तो क्या उसे अध्यात्म की जागृति नहीं होगी? नहीं होगी, उल्टे उसे क्या मिलेंगे? उल्टे उसे कष्ट मिल जाएंगे। जैसे गुरु होते हैं, हमने प्रारंभिक गुरु की बात की, उसके साथ एक और गुरु होते हैं अपरा, एक होते हैं परा। आ को सदैव संस्कृत में ना कहा गया है, जैसे अविवाहित, विवाहित, अपरा, परा। अविवाहित अर्थात जिसका विवाह नहीं हुआ हो, विवाहित अर्थात जो विवाहित हो, परा अर्थात जो हमसे परे है, अपरा अर्थात जो हमसे परे नहीं है। तो जो हमसे परे नहीं है वो एक गुरु है, जो भौतिक गुरु हैं हमारे, और जो परा है वो हमारे लौकिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और एक होते हैं हमारे प्रारंभ के गुरु, एक होते हैं हमारे दीक्षा के गुरु। इसमें त्रिकोण की बहुत ज्यादा भूमिका है, जैसे धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। यदि आपके धर्म त्रिकोण में, इसमें राशियों का त्रिकोण लेना है, भाव का नहीं, ध्यान रखिएगा, राशियों की विशेष भूमिका इस चार्ट में बताई गई है। वो धर्म त्रिकोण में यदि गुरु आ रहा हो या मोक्ष त्रिकोण में गुरु आ रहा हो, तो आपकी आध्यात्मिक जागृति होगी। यदि एक पास नौ राशियों में गुरु आ रहे हैं तो आपकी धर्म की आध्यात्मिक जागृति होगी, लेकिन क्या? 50%। यदि चार आठ बारह में गुरु आ रहे हैं तो 100 में 100% आ रही है। गुरु केतु का योग यदि आपकी कुंडली में बन रहा है D20 में, तो बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है आपके लिए, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छे।
या तो परा गुरु हो गए, गुरु अर्थात बीमा D20 चार्ट में जो आपके परा गुरु हैं वो कौन है, गुरु हैं। जो अपरा गुरु है वो राहु है। अपरा गुरु अर्थात जो भौतिक जीवन आपको दे वो राहु है, और जो आपको आध्यात्मिक जागृति दे वो गुरु है। राहु यदि त्रिकोण में बैठ जाए, काम त्रिकोण में बैठ जाए, 3 7 11 में बैठ जाए, तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, व्यक्ति काम त्रिकोण में चला जाएगा, अपरा गुरु। जैसे हर भाव से अष्टम भाव क्या कहता है, कष्ट देता है, तो यह तो हमसे आठवा है, हमारे मैं से आठवा है। अब इसकी लड़ाई हमसे है, दुर्गा सप्तशती में एक शब्द मिलता है अहम ब्रह्मास्मि। फिर दूसरा रावण सदैव कहता था एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, अर्थात मैं एक हूं, दूसरा कोई नहीं है, और ना है ना था ना है ना होगा। वो क्या है, अहम है, मैं। संस्कृत के मैं को, संस्कृत में मैं को अहम कहते हैं, मतलब हमारा संस्कृत भी यही कहता है कि भाई हम जो हैं सो हैं ही नहीं। यदि हम मैं का शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि मैं हूं, अर्थात हम में एक अहम है, और उस अहम को ही तोड़ने की बात करता है यह D24। भगवान को अभिमान रहित दास पसंद है, अभिमान के साथ जीने वाले नहीं। जिसके साथ अभिमान नहीं हो वही भगवान के प्यारे होते हैं। लोग कहते हैं सबरी के बेर भगवान खाए हैं, क्योंकि वहां अभिमान नहीं था। भगवान श्री राम प्रभु लंका नहीं गए, ये तो एक है कि भाई उन्हें 14 साल के लिए उदासीन तप का संकल्प था, लेकिन वो लंका नहीं गए क्योंकि वहां प्रेम नहीं था। आ जाता है ना कि भगवान दुर्योधन के घर खाना छोड़कर विदुर के घर भगवान साग खाए, क्यों, क्योंकि वहां प्रेम था, वहां अहम नहीं था। और उसी अहम ने दुर्योधन को बर्बाद कर दिया। जब काल मनुष्य पे छाटा है पहले विवेक मर जाता है, और वो जब भगवान समझाने जाते हैं तो वो उल्टा हरि को ही मानने चलता है। तो इस मैं की लड़ाई किससे है, अष्टम भाव से है। जिस दिन आप मैं को छोड़ दीजिएगा उस दिन आपकी आध्यात्मिक की जागृति हो जाएगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी और है, केतु की है। क्यों, क्योंकि केतु त्याग है। केतु जिन ग्रहों जुड़ा है उसका त्याग कर दीजिए, केतु जिन भाव में जुड़ा है उस भाव का त्याग कर दीजिए, उसकी जागृति हो जाएगी। सिंपल है। केतु एक फकीर है। जब एक साधु महात्मा, साधु संत सब अलग अलग शब्द हैं, तपस्वी, तो एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो केतु का स्वरूप है, वह व्यक्ति जब रास्ते में चलता है तो कुछ लोग उसे भोजन भी देते हैं, कुछ लोग उसे धन भी देते हैं, कुछ लोग उसे चाल गालियां भी देते हैं। वो जो धन देता है उसके ऊपर वो उपकार नहीं करता, और जो उसका तिरस्कार करता है उसे वो गालियां नहीं देता। वो एक मत में, एक रस में चलता है। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मुखम अर्थात तुलसी दास जो हैं वो भगवान श्री राम के उस मुख का सदैव वंदन करते रहे जो मुख एक रस में है। शाम को पता चला कि मेरा कल क्या है, राज्य अभिषेक है। सुबह पता चलता है कि अब मुझे बन जाना है, तो शाम को ना वो प्रसन्न हुए और सुबह ना वो दुखी हुए, एक रस में रहे। वो त्याग है, वो केतु है, उसे अपना लीजिए, D20 चार्ट आपका व्यवस्थित हो जाएगा। और जिस दिन आपका D20 चार्ट व्यवस्थित हो गया, अच्छी अवस्था में आ गया, उस दिन आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा।
यदि आपको D20 चार्ट को व्यवस्थित करना है, ठीक करना है, तो उसके लिए आप के कुंडली में गुरु, D20 चार्ट में गुरु की क्या स्थिति है, गुरु जिन भावों को रूल कर रहा है उस भाव को पकड़ लीजिए, आपका D20 चार्ट अच्छी अवस्था में आ जाएगा। मंत्र उपासना, हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं वो मंत्र जप है, जिसे हम पंचम भाव से देखते हैं। तो आपके कुंडली में पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं या पंचम भाव पे जिस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव जा रहा है, उस ग्रह से जुड़े हुए जो देवता हैं, यदि आप उनके मंत्र जप को करते हैं तो उससे भी आपके D20 चार्ट की जागृति होती है। जैसे इस कुंडली में पंचम में कौन बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा के देवता कौन है यदि स्मरण है तो बताइए, चंद्रमा के देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के शरण में चला जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय, इस मंत्र का जप करें। पंचम से जब आप एकादश भाव जाते हैं तो आपका तीसरा भाव होता है। तीसरा भाव हमारे अट्रैक्शन को भी देता है। तीसरा भाव दूसरे से दूसरा भाव है। और तीसरा भाव आठवें से आठवां भाव है। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि आपके कुंडली में पंचम भाव और तीसरा भाव आपके उस दीक्षा गुरु से आपको मिलाता है, जो दीक्षा गुरु आपको आपको एक मंत्र देंगे जिस मंत्र का आपको नियमित जप करना है। तीसरा भाव और पांचवा भाव आपके दीक्षा गुरु को दर्शाता है। आपके दीक्षा गुरु कैसे होंगे उनके बारे में, आपको कौन से मंत्र लेने हैं, यह भी तीसरा और पांचवा भाव ही आपको बताता है। जैसे अब हमारे आत्मगुरु की बात है, जैसे लोग कहते हैं गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन हमारा मानना है यदि एक बच्चे ने ही कोई बातें कह दी और वो यदि हमारे आत्मा को लग गया और उस पे हम चल पड़े, वही हमारा गुरु है। तो हमारे आत्मगुरु कौन होते हैं, यदि सूर्य सूर्य से संबंध जो ग्रह बना रहा हो वो कौन है, आपका आत्मगुरु। लेकिन यदि सूर्य से पाप ग्रह का संबंध बन जाए या त्रिशराय का संबंध बन जाए, या वो 6 8 12 में बैठ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपके आत्मगुरु तक पहुंचने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ सूर्य इस कुंडली में किसके साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। यह व्यक्ति अपने आत्मगुरु तक जाने का प्रयास तो करेगा और जाना भी चाहेगा, क्यों, क्योंकि नवम भाव के स्वामी के साथ संत सूर्य बैठा है और सूर्य भी अच्छी कंडीशन में बैठा। यदि इसी सूर्य पाप ग्रहों के साथ होता, या यह सूर्य त्रिशराय ग्रहों के साथ 6 8 12 में होता तो समस्याएं उत्पन्न होती। एक चीज और आप गौर करेंगे, D20 चार्ट में राहु केतु आपको सदैव साथ में मिलेंगे, पता है क्यों, एक मोक्ष है एक भोग है। मोक्ष की ओर भागोगे भोग दौड़ेगा, भोग की ओर भागोगे मोक्ष दौड़ेगा।
आप जिसके पीछे जाएंगे फिर दूसरा आपके पीछे लग जाएगा। अर्थात आज हम सभी भोग के पीछे जा रहे हैं, इसलिए मोक्ष हमारे पीछे लगा है। जिस दिन हम मोक्ष के पीछे भागना शुरू कर देंगे उस दिन भोग हमारे पीछे लग जाएगा। मतलब यह है कि हमें जीवन में तो बहुत कुछ चाहिए, पैसा, गाड़ी, धन दौलत, बहुत कुछ चाहिए जीवन में, लेकिन उसके लिए हम राहु के पीछे ही भागते हैं। राहु के पीछे भागते हैं तो केतु पीछे बैठा डिटैच करता है, और जब हम केतु के पीछे भागना शुरू कर दें तो राहु पीछे लग जाएगा। और जिस दिन राहु पीछे लग जाएगा उस दिन आपको सर्वत्र सुख दे देगा और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले की एक वीडियो हमारी है, राहु भूख है तो केतु संतुष्टि, इसे जरूर देखिएगा, उससे बहुत कुछ क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी कुंडली रख सकते हैं और आगे कुछ नियम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस कुंडली में एक पांच नौ में आपको गुरु दिख रहे हैं, नहीं 4-8-12 में आपको गुरु दिख रहे हैं, हाँ, और गुरु बिना दोनों साथ में हैं। नहीं, बहुत अद्भुत योग है अभी। प्रेम, और आप कहोगे भाई आपको D20 अध्यात्म पढ़ा रहे हो और आप कहाँ से लेकर चले आए भाई प्रेम के संबंध को लेकर। प्रेम भी एक अध्यात्म का ही बंधन है, अध्यात्म से जुड़ा ही प्रेम है। उस प्रेम की नहीं बात कर रहे हैं जो आजकल का है, उस अलौकिक प्रेम की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ बचता नहीं है, ना सब चला जाता है। जैसे उस प्रेम में आपको मिलेगा क्या मिलेगा, दुख, कष्ट, दरिद्रता, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा प्रेमी कौन था? भगवान श्री कृष्ण का सुदामा, दिन रात भगवान के श्री नाम का जप करता था, स्मरण करता था, क्या जीवन मिला। प्रेम एक त्याग है, प्रेम वो नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो तुम भी मुझे प्रेम करो, प्रेम त्याग को दर्शाता है। प्रेम यह नहीं देखता कि मुझे लाभ होगी या हानि होगी, कूद पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा, चलो आगे बढ़े। अब वह प्रेम किससे हो सकता है? वह प्रेम मनुष्य से नहीं, वो प्रेम जब भी होता है तो परमात्मा से ही होता है। मीरा माई जब उनसे मृत्यु हुई तभी पता चला कि भाई वो भगवान की कितनी अनन्य भक्त थी। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद सरस्वती, चलिए एक कुंडली बनाइए D20 का ही एक कार्ड, इससे बहुत कुछ समझेंगे हम।
डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1836, 18 फरवरी 1836। और फेस कुंडली पे हम बहुत सारी लोगों को लगाकर देखेंगे। समय है सुबह के 6:44। प्लेस आप रख लीजिए कोलकाता। चलिए कुंडली का निर्माण करते हैं। यह जो कुंडली है वो रामकृष्ण परमहंस जी की है, भगवान माँ काली के बहुत अच्छे साधक रहे। ये रहा इनका D20 चार्ट। अब इस जो D20 चार्ट में देखिए, लग्न से देखते हैं। लग्न का लग्न में प्रभाव किसका है, लग्न के स्वामी क्या है, तो लग्न में प्रभाव मंगल का है और किस भाव को, तो एकादश भाव को रूल कर रहा है और छठे भाव को रूल कर रहा है। ठीक है, मंगल क्या है, ऊर्जावान है, अर्थात ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो ऊर्जावान हो, गुस्सैल हो, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। अर्थात माँ काली के शिष्य रहे। दूसरा, दूसरे भाव पे किसका प्रभाव है, दूसरे भाव का पे प्रभाव किसका है, शनि का है। शनि के साथ केतु और राहु, शनि केतु अष्टम भाव का ही स्वामी है, दूसरे भाव की बहुत अहम भूमिका होती है D20 चार्ट में। दूसरे भाव का स्वामी आठवें में गया, अर्थात यह बता रहा है कि व्यक्ति मौन साधना के अंदर तो अंतर्गत चला गया, अर्थात अपने जीवन को, अपने आजीविका को वो कहाँ लेके चला गया, अष्टम में चला गया। साथ में छठे भाव का स्वामी कहाँ गया है, लग्न में गया है। आपको पता हो यह कैंसर पीड़ित थे, कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। और इतने परम भक्त थे कि माँ प्रतिदिन इन्हें दर्शन देती थी। एक और बहुत अच्छे काली महाकाली के साधक रहे कोलकाता में ही, हावड़ा के पास में। वो नित्य माँ को भोजन कराते थे और जिसे जो बोलते थे वो हो जाता था। माँ की एक प्रतिमा थी, उसे वो वस्त्र पहनाते थे, माँ से बात करते थे। वह भी अपने जीवन को बहुत कष्ट में जिए,
लेकिन कभी उन्होंने माँ से यह नहीं कहा कि माँ उसे ठीक कर, क्योंकि व्यक्ति जब प्रेम में होता है ना तो उसे अपनी सुध ही नहीं रहती, उसे अपने सामने जो जिसे वो प्रेम करता है अपने प्रेमी की सुध ही रहती है कि भाई जो मेरा प्रेमी है वो खुश रहे, वो ठीक रहे, उसमें कुछ कमी ना आए, उसे अपना परवाह नहीं होता कि भाई मेरा क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा, छोड़ो जैसा होता है वैसे जान दो। वो रामचरित परमहंस से तीसरा भाव और पंचम भाव जिसे हम अध्यात्म कह रहे हैं, पंचम का स्वामी नवम में गया है, तीसरे का स्वामी भी अपने से नवम में गया है। अब देखिए तीसरे का स्वामी अपने से नवम में, पांचवे का स्वामी अपने से पंचम में, जब एक अच्छे योग को बना रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में गया है, जो चतुर्थ से ठीक दूसरा है। प्राणायाम से मंत्र जप को यह दर्शा रहा है। पांचवे की बात की हमने, छठे की बात की, सातवां भाव ध्यान है, सातवें का स्वामी बारहवें में गया है, अर्थात इस व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी, तो ध्यान से ही मुक्ति होगी। अष्टम भाव की जानकारी आपको है, नवम जो है वो हमारे गुरु को दर्शाता है, हमारी दीक्षा को दर्शाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, नवम भाव की जब दशा आपके जीवन में आएगी तभी आप गुरु की दीक्षा ले पाएंगे, अर्थात दीक्षित हो पाएंगे। दशम भाव आपकी सिद्धि है, आप क्या सिद्धि अपने जीवन में एकत्रित कर सकते हैं वह है आपका दशम भाव। दशम का स्वामी कहाँ गया, बारहवें में गया। माने रामकृष्ण परमहंस को माने कई सिद्धियां दी, लेकिन उन सिद्धियों का इन्हें कोई भी उसका इन्होंने ना प्रयोग किया ना ही उसका कुछ इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि इन्हें उस सिद्धियां नहीं, उन्हें क्या चाहिए था, सिद्धि से मोक्ष चाहिए था। दसवें का स्वामी बारहवें में जाना, जैसे नवम भाव जो है वो वेदांग है, वेद के अंग है, प्रथम भाव जो है वो हमारी बुद्धि है, बुद्धि कहाँ गया, स्वयं पंचम में गया है, बुद्धि कहाँ गया, मंत्र जप में गया है, जब आप तंत्र को पढ़ेंगे ना तो तंत्र में पंच मकार होता है, मकार होता है, अकार होता है, उकार होता है, तो पंच मकार को छोड़ देते हैं, बहुत लंबी पंक्ति है वो तंत्र की, लेकिन एक है आकार, दूसरा है उकार और तीसरा है मकार। आप किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को प्रारंभ करेंगे वह आपको कौन बताएगा, वह आपका D20 चार्ट, और ये तीनों बताएंगे, आकार उकार और मकार। जैसे आकार जो है वो सतोगुण है, आकार जैसे ओमकार को आप तीन ओमकार को यदि आप तोड़ते हैं तो ये तीन शब्दों में वो बट जाएगा, आकार उकार और मकार, ये तीनों मिलकर होते हैं ओमकार। जो आकार है वो सतोगुण है, सत्व है, अर्थात सात्विक ग्रहों का प्रभाव आपके कुंडली में अष्टम भाव से और आपके लग्न से संपर्क बना रहा हो, तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन की जो जर्नी है, यात्रा है, उस यात्रा को आप प्रारंभ करेंगे किससे, सतोगुण से। सतोगुण क्या है, सत्य बोलना, मंत्र जप करना, जो अनैतिक चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना, और सतोगुणी देवता कौन है, भगवान विष्णु है, तो आप उनसे अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आता है उकार, उकार रजोगुण है, तो आपके कुंडली में जो रजोगुण ग्रह है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बताने की आवश्यकता है कि रजोगुण कौन है,
और तमोगुण कौन है और सतोगुण कौन है? या तो आप लोगों को पता है सूर्य चंद्र और गुरु सतोगुण है, बुध और चंद्रमा रजोगुण है, मंगल शनि राहु केतु तमोगुण है। ठीक है, कई बार हमने बताया भी है। चलिए, तो यदि सूर्य का, चंद्र का और गुरु का प्रभाव आपके लग्न पे है या अष्टम भाव पे है, तो आप अपनी यात्रा कहां से विष्णु शुरू करेंगे? सतोगुनी प्लैनेट यदि है तो सतोगुण से आप प्रारंभ करेंगे। यदि रजोगुण, रजोगुणी अर्थात बुध हैं और चंद्रमा हैं, तो आप कहां से प्रारंभ करेंगे? आप प्रारंभ करेंगे रजोगुण से, जो रजोगुण के देवता हैं उनसे प्रारंभ करेंगे। रजोगुण की देवताएं कौन हैं? आपको जानकारी है, रजोगुण की देवताएं दो देवियां विभाजित हैं, एक श्री कुल है एक काली कुल है। ठीक है, श्री कुल में माँ बगलामुखी आती हैं, माँ षोडशी आती हैं, माँ मातंगी आती हैं। तो आप इनसे अपने अध्यात्म को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है मकार, जो तमोगुण है। तमोगुण में मंगल राहु केतु और शनि, शनि केतु राहु मंगल। अब देखिए अष्टम और लग्न पे प्रभाव इन्हीं का है, और ये महाकाली के बहुत अच्छे साधक रहे हैं, महाकाली तमोगुण में आती है। तो ये तो पता चल गया आपको कि भाई किस ग्रह से यदि हमारा लग्न या अष्टम भाव प्रभावित है, वैसे हमें अपने अध्यात्म के जर्नी को प्रारंभ करना है। यात्रा कैसे प्रारंभ करेंगे, यह चीजें आपको क्लियर हो गई। कहाँ बैठे हैं लग्न? मैं है, अपने आप अंदर से मैं को बाहर निकाल दीजिए। और जब तक गोता नहीं लगाइएगा अष्टम भाव में, तब तक आपको चीजें नहीं मिलेंगी। वो गड्ढा है और गड्ढे में आपको स्वयं उतरना पड़ता है, तो आपको खजाने ही मिलते हैं या फिर सर्प भी मिलते हैं। और जब आप सभी सामग्रियों से लैस रहते हैं, अपने उपकरणों के साथ जाते हैं, तो आपको खजाना मिलता है। यदि आप सभी उपकरण को छोड़कर और किसी गुरु की सहायता लिए बिना, इसे ट्रेनिंग के बिना आप जाते हैं, तो आपको सर काट लेता है, आप वहीं रह जाते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किस ओर है। एक गुरु को लेकर और उसके बाद अपने आप को सुदृढ़ कर, अर्थात गायत्री मंत्र का जप, भगवान नारायण के मंत्र का जप, गायत्री के मंत्र का जप, इसे करने के बाद ही आप इस यात्रा को प्रारंभ करें। आपके लिए बहुत अष्टम भाव समाधि है, समाधि। समाधि मतलब पता है क्या है? जो अपने आप को एक रस में परिवर्तित कर ले। देखें समाधि मतलब होता है कि व्यक्ति, आजकल समाधि का अर्थ है कि भाई व्यक्ति को लिटा दो बस। पहले के युग के अंतर्गत लोग समाधि में चले जाते थे, अब वो समाधि से लौट के भी आते थे। सबसे अच्छे साधक देवताओं में कौन है? जो ध्यान को, योग को साध चुके हैं। योग के देवता कौन है बताइए? योग के देवता दो हैं, भगवान शिव हैं जी और भगवान शिव के साथ भगवान योगेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं योग के साधक। लेकिन ध्यान में सबसे बड़े योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो तमोगुणी प्लैनेट यदि आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डाल रहा है, तो वहां से भी आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे चतुर्थ भाव ग्राम देवता को दर्शाता है, तो चतुर्थ भाव यदि आपके लग्न को प्रभाव डाल रहा है, तो आप ग्राम देवता की उपासना कीजिए, वहां से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। दूसरा भाव हमारा कुल देवता है,
देखिए इससे हम बहुत अच्छी चीज आपके सामने रखेंगे कि आप अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आज तो भौतिक जीवन ही जीना है हमें। तो आपके कुंडली में यदि दूसरे भाव का स्वामी D20 चार्ट में पीड़ित है, मतलब आपको अपने कुल देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पीड़ित है, तो आपको अपने घर के जो मूल देवता, आपके गांव के जो ग्राम देवता हैं, उनकी पूजा की आवश्यकता है। यदि आपके लग्न का स्वामी पीड़ित है, अष्टम का स्वामी पीड़ित है, तो रजोगुनी, तमोगुनी और सतोगुनी जो ग्रह बताएं, जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, उन्हें पकड़ लेने की आवश्यकता है। अब यहां भी आप यूटिलाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, सतोगुणी है तो सतोगुणी से जुड़ जाइए, तमोगुणी है तो तमोगुण से जुड़ जाइए, रजोगुण है तो रजोगुण से। आप उस देवता के उस एनर्जी से जुड़ जाएंगे, आपका जीवन बन जाएगा। इसीलिए हमारे इस सनातन धर्म में बहुत अच्छी परंपरा चली, जो गुरु और शिष्य की परंपरा रही, गुरु दीक्षा की परंपरा रही, जिससे हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव ध्यान है। क्रिएट सप्तम भाव क्या है? ध्यान है। पंचम भाव हमारी मंत्र साधना है, उपासना है। दसम भाव हमारी सिद्धियां हैं। आजकल लोग सिद्धि के पीछे भी बहुत भागते हैं। यदि आप तंत्र में प्रवेश नहीं किए हैं, कभी आप तंत्र में प्रवेश करें, तो उस तंत्र के, यदि कभी आप कामाख्या जाएं, कामाख्या जब आप जाएंगे तो वहां आपको 10% आपको मिलेंगे जो ओरिजिनली माँ की आराधना कर रहे हैं, और 90% मिलेंगे कि भाई इस मंत्र का जप करना है, इतना करना है, गुरु दीक्षा लेनी, हमको सिद्धि मिल जाएगा, हम ऐसा करने लगेंगे, हम वैसा करने लगेंगे, उसके पीछे ही लोग पड़े हैं। जैसे कामाख्या है, कामाख्या एक तंत्र का कहा जाए गढ़ है। अब किन्हें कामाख्या जाकर दर्शन करना चाहिए, कौन कामाख्या जाकर दर्शन करें तो लाभ मिलेगा? तो जिनके अष्टम भाव में D20 चार्ट में सबसे ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो अष्टम या लग्न पे, वो कामाख्या जाकर माँ का दर्शन करें, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। छठा भाव जो है वो हमारी ध्यान में बाधा है, या फिर हम कहें कि पूरे D20 चार्ट को यदि हमें व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए हमें छठे भाव को व्यवस्थित करने की आवश्यकता रहेगी, सेवा की आवश्यकता होगी। जब गुरु बच्चा सबसे पहले जाता है ना, तो उस पहले उसे सेवा का ही कार्य दिया जाता है। सभी के चप्पल को ये करना है, सभी के कपड़े को ये करना है, तो ये काम आपको है, फूलों में पानी देना है, अर्थात पहले सेवा करो। जब सेवा करोगे तो छठे भाव की जागृति होगी, और जब छठा भाव अच्छी अवस्था में आ जाएगा, तभी तुम आठवें भाव का लाभ उठा पाओ। संन्यास योग की बात कर लें, तो संन्यास योग सबसे पहला, यदि संन्यास योग कुछ है तो चंद्रमा और शनि का यदि आपके कुंडली में संबंध बन रहा है, तो यह एक संन्यास योग को दर्शाता है। किसी भी प्रकार बने, चंद्रमा शनि के राशि में चला जाए, शनि चंद्रमा की राशि में चला जाए। अब इसे हम लोग किस योग से ना जानते हैं, इसे हम लोग 20 योग से जानते हैं। हमारा जीवन में 20 भर देगा। अरे भैया 20 भरेगा तभी तो विश्राम मिलेगा।
विष आएगा तभी विश्राम मिलेगा। कैसे विश्राम मिलेगा? भगवान शंकर विष पीकर ही विश्राम की मुद्रा में रहते हैं। वैसे ही जब विष आ जाएगा जीवन में तभी आराम की अनुभूति होगी, जो ओरिजिनली आराम है। ऐसे 1 घंटे लेट जाना वो आराम नहीं है। यदि शनि और शुक्र हैं, तो शुक्र को पकड़ लीजिए, संन्यास योग मिल जाएगा आपको। शनि और गुरु हैं, गुरु को पकड़ लीजिए, संन्यास मिल जाएगा आपको। राहु और शनि है, संन्यास योग है। राहु और केतु है, जो हर कुंडली में आपको मिलेगा, संन्यास योग है। शनि और केतु है, संन्यास योग है। प्रमुख रूप से श्रद्धा, भक्ति, गुरु दीक्षा, जब तक यह आपके जीवन में जागृत नहीं होता है, तब तक आप D20 चार्ट का लाभ नहीं उठा पाते। विशेषकर मैंने सबसे पहले भी कहा था कि D20 चार्ट आप तभी आप अपने अंदर समाहित कर सकते हैं जब आप श्रद्धा के साथ जुड़ेंगे। भाई बहुत सारे योग हैं जिस पे अभी हमने बात नहीं की है। आगे जो हमारी कल की कक्षा रहेगी उसमें हम बहुत सारे योग हैं जो D20 चार्ट पे लगते हैं, इन सभी योगों पे हम बात करेंगे। जैसे एक पंच महापुरुष में सस योग है जो शनि बनाता है। पंच महापुरुष में गुरु कौन से योग को बनाते हैं? हंस योग को बनाते हैं, हंस महापुरुष योग। गुरु यदि अपनी ही राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो हंस महापुरुष हो गया, हो हंस महा पंच महापुरुष योग हो गया। यदि शनि अपनी ही राशि में बैठा है तो वो सस महापुरुष। तो शनि देखिए कहाँ बैठा है। इसमें इस रूल को बाहर कर देना है कि राहु केतु से जुड़ा है तो खराब है। नहीं है, राहु केतु है तो अच्छा है। और कल की कक्षा में अभी यह भी हम बताएंगे कि किस व्यक्ति विशेष से आप जुड़कर रहेंगे तो आपकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। आप बच्चे जुड़ के रहेंगे तो अध्यात्म मिलेगा, पत्नी जुड़ कर रहेंगे तो अध्यात्म मिलेगा, पिता जुड़ कर रहेंगे तो अध्यात्म मिलेगा, किससे जुड़ के रहेंगे तो आध्यात्मिक जागृति होगी। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है वो हम यहीं तक सीमित करते हैं। कल की कक्षा भी हमारी D20 चार्ट पे ही रहेगी। कोई प्रश्न आप लोगों का हो तो बताइए। यह yeah.